नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया 24 न्यूज। ताज़ा तीन खबरों की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल के साथ हमेशा बने रहे। आपको बताते चलें कि अयोध्या जिले के बीकापुर विकास खंड क्षेत्र के ग्राम सभा बनकट के पंचायत भवन पर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि संतोष कुमार गौर व अयोध्या आईमेको सेंटर के सौजन्य से एक दिवसीय निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। कैंप में मौजूद परीक्षक ने बताया, लगभग 200 मरीजों का नेत्र परीक्षण किया जा चुका है। परीक्षण में 15 मरीज मोतियाबिंद के पाए गए, जिसमें से 12 मरीज को अयोध्या आई फेको सेंटर के निजी वाहन की मदद से फेको सेंटर ले जाया जा रहा है, जिन्हें निःशुल्क सुविधा के अंतर्गत उनका सफल ऑपरेशन कर उन्हें उनके घर लाया जाएगा। नेत्र शिविर के दौरान अरविंद कुमार पांडे, अजय तिवारी, सत्येंद्र पांडे, राजेश कुमार यादव, पूर्णचंद यादव सहित अन्य कई लोग रहे मौजूद। देखें खास रिपोर्ट ब्यूरो चीफ पूर्णचंद्र अयोध्या। निःशुल्क मोतियाबिंद शिविर का आयोजन यहाँ किया गया है, जिसमें विशेष सहयोग हमारे ग्राम सभा के प्रधान जी का है कि जो कि यहाँ जो है सारे जनता को जागरूक कर करके जो है कैंप का जो है आयोजन करवाया, जिसमें सभी मरीज को कम से कम 200 मरीज को देखा गया, जिसमें 12 मरीज को जो है मोतियाबिंद पाया गया। उनको हम अपने साधन से ले जाएंगे अयोध्या फेको सेंटर आख अस्पताल निःशुल्क लेंस प्रत्यारोपण करने के बाद उनको ला कर सकते कैंप स्थल बनकर पंचायत भवन पर। देखिए ये जो मौसम चल रहा है, मौसम मेन चीज़ होता है कि ये धूल से जो है एलर्जी हो सकती है। एलर्जी के लिए जो है आदमी को हर 15 दिन पर जो है दवाई चलाना चाहिए और धूप में काला चश्मा का उपयोग, ये नहीं कि एकदम काला रहे, चश्मे का उपयोग वो करें, चाहे फैशनेबल चश्मा हो जो कि वो आंखों को सेफ करता है, धूल गर्दे से बचाता है, जिससे एलर्जी नहीं होती है। पंचायत भवन पे है, पे कैंप वो सूचना दी गई है, डॉक्टर साहब वगैरह आए हुए हैं, इनकी जांच हो रही है और जिन उनको मोतियाबिंद वगैरह शिकायत है उनको डॉक्टर साहब अपने गाड़ी अपने साधन से इनको फेको हॉस्पिटल आई हॉस्पिटल अयोध्या ले जाएंगे और उनको ऑपरेशन सुविधा करा के कल जो है वापस यहीं फिर लाइक पहुंचा देंगे। ये जो सुविधा मिल रही है जी, ये निःशुल्क है या इसका कोई शुल्क देना है? निःशुल्क है, निःशुल्क है। सुझाव क्या होगा? सुझाव होगा, ये तो हम लोग जानकारी दी गाँव में कि सब लोग आइए अपना, जैसे गांव में लोग बुजुर्ग लोग हैं इनको दिक्कत होती, जानकारी नहीं हो पाती है, तो यहाँ पे कैंप लगा के इनकी जांच करवा के इनको सुविधा दिलाई जा रही है, इस कैंप से कोई दोबारा कैंप लगाया जाएगा।